जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरियारी में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोठान निर्माण में सरपंच व अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मामला ग्राम पंचायत कुरियारी का है, जहां पर बाढ़ग्रस्त जमीन पर सरपंच द्वारा मनमानी तरीके से गोठान निर्माण कराया जा रहा है। हर वर्ष यह जमीन बाढ़ के पानी से डूब जाती है, साथ ही इस जमीन पर हजारों की संख्या में पेड़ लगे हुए थे, जिसे सरपंच द्वारा मनमानी तरीके से कटवा दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस निर्माण कार्य की शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम, जनपद सीईओ, जिला पंचायत सीईओ के पास की है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बता दें, इस गोठान निर्माण कार्य को लेकर जनपद सदस्य ने भी आपत्ति जताई है। वहीं जब इस पूरे मामले के बारे में नवागढ़ जनपद पंचायत सीईओ से बात की गई, तो वे भी इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। नाम बताएंगे? मेरा नाम किशोर कुमार कश्यप। सरपंच प्रतिनिधि हैं? सरपंच प्रतिनिधि। कौन सा कार्य चल रहा है यहाँ पे? ये गौठान रोजगार गारंटी के तहत अभी ये काम चला थे। कितने की लागत से गौठान का निर्माण हो रहा है? अब लागत तो बहुत सारा होगा, 15-16 हज़ार लाख के लगभग, लेकिन ये वर्तमान में 5 लाख के कुछ उभर है। अच्छा, वही कहा जा रहा है कि ये बुरान जगह है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं नहीं, ये कोई बाढ़ग्रस्त जगह ही नहीं। पहले ये सर्वसम्मति मैंने पंचायत से प्रस्ताव किए हैं और जनता लोगों से मैंने भी पूछ परख कर इसको मैंने काम कर रहे हैं। और वही लोगों का कहना है कि ये पुराना वन विभाग का भी क्षेत्र है। नहीं नहीं, ये गलत बात है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नहीं है। नहीं नहीं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नहीं है। इसमें कब्जाधारियों का बात आ रहा है, ग्रामीणों से बात किए तो इन पर क्या कहेंगे? नहीं, कब्जाधारी वाला बात ही नहीं है, तो शासकीय ज़मीन है ना, शासन का चीज़ है, ये कोई किसी का प्राइवेट नहीं है। ये जो जत था जो पीछे दिख रहा है वो कौन गाड़े हैं? ये मेरे को पता नहीं है। रोजगार गंडी गौठान जब काम किए ना, उसके 2-4 दिन बाद उस जहाँ तक के मैंने खंभा गड़ी आया है। कौन गाड़े हैं कुछ? ये तो मेरे को मालूम नहीं है, गड़ी आया है सरासर गलत है वो। श्रीमती सरिता धन्नो साहू, जनपद सदस्य, नवागढ़ क्षेत्र, क्षेत्र क्रमांक 23। ये जो गौठान निर्माण हो रहा है, उसके बाद इसे क्या कहेंगे? ये सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी, बाढ़ग्रस्त जगह है। वहाँ पर अर्जुन का पेड़, परसा का पेड़ लगा हुआ था हजारों, उसको कटाई करा कर वहाँ पर गठान बनाए जा रहे हैं। इसकी शिकायत है? यहाँ इसका शिकायत का एसडीएम मैडम, जिला सीओ के पास, जनपद में की हूँ, उसका कार्यवाही तत्काल करेंगे बोले हैं। तो मुझे डुबान क्षेत्र है, इसलिए गौठान वहाँ पर बनाने में मुझे आपत्ति है। गौठान के बारे में अपना ग्राम पंचायत कुरियारी में जो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नरवा घुरवा बाड़ी गौठान, जिसको ग्राम पंचायत कुरियारी के सरपंच के द्वारा पलीता लगाया जा रहा है, यह गौठान निर्माण बाढ़ग्रस्त जगह पर है और नदी के पानी से यह स्थान हर वर्ष बाढ़ में डूब जाता है और साथ ही साथ यहाँ हजारों की संख्या में लाख का पेड़ लगा था, जिसको सरपंच के द्वारा मनमानी किया जा रहा है और उसकी अनदेखी करके उसको अंधाधुंध कटाई कराया जा रहा है, जिसका वैध दस्तावेज सरपंच के पास नहीं है। इसकी शिकायत मैंने एसडीएम साहब के पास किया है, कलेक्टर साहब के पास किया है और जनपद पंचायत नवागढ़ सीओ के साहब के पास किया है और जिला पंचायत में भी किया है सीओ साहब के पास। हाँ, कुरियारी ग्राम पंचायत में इससे भी बढ़िया और क्या बोलते हैं उसको, बेहतर जगह कुरियारी ग्राम पंचायत में है, जिसमें सरपंच और सरपंच के परिवार वालों का कब्जा है, जिसके वजह से वो अपना कब्जा हटाने के बजाय वो अपात्र जगह को पात्र बना के गौठान का निर्माण करा के अपनी जगह को बचाना चाहता है। सरपंच कौन है? सरपंच यहाँ करुणा देवी कश्यप है, उनके पति किशोर कश्यप, और सरपंच को तो पता ही नहीं रहता है कि वो क्या योजना कैसे योजना, चूँकि वो महिला है, हमेशा सरपंच पति अगवानी करते हैं वहाँ।
हमारे से हम मांझी ग्राम पंचायत कुरियारी रोजगार सहायक। क्या काम चल रहा है यहाँ पे? मनरेगा के तहत भूमि समतलीकरण। क्या बनेगा यहाँ पे? ये गौशान पड़ेगा, पशु आश्रय में भूमि समतलीकरण का काम चल रहा है। आज तो भारत बंद है। भारत बंद है तो हम लोग साहब से बात किए तो 11 बजे के बाद है बंद है कहकर बोले, इसके बाद अभी तो काम कर सकते हैं कहकर बोले। यही कहा जा रहा है कि इस भूमि को वन विभाग के हमें दिया गया था, फिर इसमें गौठान किस प्रकार से निर्माण किया जा रहा है? वो तो मैं नहीं जानता हूँ किस लिए में दिया गया था, लेकिन इनमें प्रस्ताव हुआ, स्वीकृति हुआ, साहब के आदेश अनुसार इसको कार्य किया जा रहा है। कौन से अधिकारी आए थे? सिवो साहब नाहगढ़ वाले। हाँ, यही डुबान क्षेत्र भी करके यहाँ पे प्रस्तावित शिकायत वहाँ पे गया है। हाँ हुआ है, लेकिन मेरे को निर्देश ऊपर से मिलेगा वैसे ही मैं काम करवा सकता हूँ। अगर मेरे को जगह ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से मैं काम कराऊँगा? अगर मेरे को सरपंच जगह नहीं देगा तो मैं कहाँ से करा सकूँगा काम? अभी आप सरपंच से बात किए, क्या बोले? सरपंच बोल रहा है कि मैं काम करा रहा हूँ, अभी नहीं आ सकता। जांजगीर चांपा से संवाददाता लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।